हमने लाए हैं आप लोगों के लिए नया रेसिपी, वो है कच्चा इलिस ग्रेवी। आइए दोस्तों खाते हैं और इसका मजा लेते हैं, बहुत टेस्टी है दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आप लोगों ने बहुत सारे इलिस खाए होंगे, कच्चा इलिस, फ्राई किए हुए इलिस का करी खाए होंगे, इलिस सोर्स से झोल तो खाए होंगे, कच्चा इलिस झोल तो खाए होंगे। आज हमने लाए हैं आप लोगों के लिए कच्चा इलिस ग्रेवी। आइए दोस्तों बनाते हैं और इसका मजा लेते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी जरूर दबाइए, हमारे वीडियो को एक लाइक और शेयर कीजिए। एक बार खा लिए तो चाहत बढ़ जाएगी, इतना टेस्टी है दोस्तों, बस खाते रहोगे खाते रहोगे, इतना टेस्टी है। कच्चा इलिस ग्रेवी बनाने के लिए हमें ये सब मसाले चाहिए। उसके साथ साथ हमें एक कप कोकोनट मिल्क चाहिए। कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में जितने सारे मसाला लिए हैं सबको यहाँ पर हम फ्राई कर रहे हैं। 5 मिनट तक हमें ये मसाला को फ्राई करना है धीमी आंच में। फ्राई करने के बाद इसको रख लिए हैं ठंडा होने के लिए। मसाला सब ठंडा हो गया, अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड करने के लिए हम यहाँ पर मसाला डाल दिए। अब इसमें 3 क्लोव लहसुन लिए हैं, अब छोटा टुकड़ा अदरक और थोड़ा पानी डालकर इसको ब्लेंड कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 3 पीस कच्चे इलिस लिए हैं, इसको हमें मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए हम यहाँ पर 1/4 लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर, 1/4 नमक, सब मसाला डालकर अब ये सबको अच्छे से हाथों से मालिश कर लेते हैं इलिस को। हमने इलिस को अच्छे से हाथों से मसाज कर लिए हैं या मैरिनेट कर लिए हैं। अब हमें चाहिए 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, आप चाहे तो 1 टेबलस्पून ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 10 ड्रॉप मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल डालकर हमें कच्चे इलिस को अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं, ऊपर के हिस्सा, नीचे के हिस्सा, साइड, सबको अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट करने के बाद हमें इसको 10 मिनट तक रखना है, देन कुक करेंगे हम। यहाँ पर एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में अब इसमें कच्चा मैरिनेट किया गया इलिस को अब यहाँ पर डाल दिए। अब इसको धीमी आंच में 5 मिनट तक हमें फ्राई करना है। हमारा 5 मिनट हो गया है। अब इसमें मैरिनेट किया गया प्लेट में जो मसाला बचा हुआ था अब इसको यहाँ पर डाल दिए। सॉरी दोस्तों, ये वाला वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सॉरी। अब ये मसाला सूख गया है, अब इसमें पहले जो मसाला ब्लेंड किए थे आप इसको डाल रहे हैं। इसी मसाले में हमें इसको 5 मिनट तक फ्राई करना है। हमने मसाले में अच्छे से फ्राई कर लिए, हमारा 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें बचा हुआ मसाला का पानी यहाँ पर डाल रहे हैं। हमने यहाँ पर चक्रफूल और 2 लौंग लिए हैं, अब यहाँ पर डाल रहे हैं। अब ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो आप 1 कप पानी दे सकते हैं, हमने यहाँ पर पानी नहीं लिए हैं। आप इसको 10 मिनट तक कवर कर लेते हैं। देखिए हमारा पानी सूख गया है, मसाला सब रह गया। इसी मसाले में हम यहाँ पर कोकोनट मिल्क को डालेंगे। हमने यहाँ पर 1 कप कोकोनट मिल्क लिए हैं। अब ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला और कोकोनट मिल्क कितने अच्छे से घुल मिल गए हैं, कैसे कलर चेंज हो रहा है देखिए। अब इसको मिक्स करके कवर कर लेते हैं 5 मिनट तक। देखिए हमारा पानी सूख गया है और कितने अच्छे से हमारा करी बन गया है। मसाला सब साइड में रह गया है, इसलिए हम यहाँ पर मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि घुल मिल जाए सब सभी के साथ। अब ये मसाला को अच्छे से मिक्स करके अब इसको कवर कर लेते हैं 10 मिनट तक। देखिए कच्चा इलिस ग्रेवी हमारा रेडी है। आइए दोस्तों खाते हैं, बहुत टेस्टी है दोस्तों। आप एक बार खा लिए तो उंगली चट के रह जाओगी, इतना टेस्टी है। आइए सर्व करते हैं। इसका ग्रेवी इतना टेस्टी है, बस आप ग्रेवी खाते रहोगे, इलिस खाने का मन नहीं करेगा, इतना टेस्टी है। ऐसे नए नए रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर दबाएं ताकि पहला नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। वीडियो को एक लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।